नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद के सारण थाना क्षेत्र के पर्वतिया कॉलोनी में बीते हफ्ते एक निर्माणाधीन मकान में सो रहे दो मजदूरों की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इसी केस में लगभग एक हफ्ते बाद पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया है। क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने एक हफ्ते पहले थाना सारण एरिया में किए गए डबल ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम पंकज और रोहित है, जो फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 2 के निवासी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशा करने के आदी हैं और इसी नशे की लत ने इन्हें हत्यारा बना दिया। आरोपियों ने 1 और 2 जनवरी की रात नगला एनक्लेव पार्ट 2 में एक निर्माणाधीन मकान में सो रहे तीन मजदूरों को हथौड़े व चाकू से चोट मारकर बुरी तरह घायल किया था, जिसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी, तीसरा अस्पताल में भर्ती है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को कल दिनांक 6 जनवरी को डबुआ सब्जी मंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी नशा करने के आदी हैं। आरोपियों की उम्र लगभग 20 वर्ष है। नशे की लत के चलते आरोपियों को पैसों की आवश्यकता थी, इसी कारण उस रात उन्होंने निर्माणाधीन मकान में सो रहे मजदूरों को लूटने की योजना बनाई। आरोपी जब मकान में घुसे तो वहां पर मौजूद मजदूरों की नींद खुल गई और उन्होंने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। आरोपियों ने निर्माणाधीन मकान में पड़े हथौड़े व चाकू से मजदूरों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और उनसे करीब 2000 और तीनों के मोबाइल छीन कर मौके से फरार हो गए। वहीं आरोपियों के खिलाफ इससे पहले भी स्नैचिंग, लड़ाई, झगड़े, मारपीट सहित 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा आरोपियों को आज अदालत में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग हथौड़ा, चाकू तथा लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए जाएंगे। वहीं फरीदाबाद के सागरपुर में धारदार हथियार से हमला करके एक युवक की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी हरिओम है, जो कि ट्रैक सूट में तस्वीर में नजर आ रहा है। अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया गया है, जिसमें इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी और वारदात में प्रयोग किए गए चाकू और कपड़े बरामद किए जाएंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।